एक ककड़ी है, ककड़ी रायता बनाएंगे, इसका खाएंगे हम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा था कि आपको हर दो दिन, हर तीन दिन के बाद आपको एक ब्लॉग उत्तराखंड जो हमारे कुमाऊँ, इसके बारे में आपको बताते रहूँगा। सो इतना तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है कि घर में आजकल कितने काम होते हैं, इस वजह से मैं आप वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए सॉरी। तो मैंने आज जो आज का ब्लॉग है वो अपने घर में है, जो इस टाइम चल रहा है इस पक्ष पे श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, जिसमें अपने पूर्वजों पितरों उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो आज का हम ब्लॉग अपने ही घर में बना रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज आपको अपने घर के घर में दिखाऊँगा। जब तक पंडित जी आए नहीं है तब तक हम आपको अपने घर का जो नज़ारा दिखाते हैं, अपने जो घर से, घर की छत से कैसा व्यू दिखता है यहाँ का, अपने गाँव का। ये जो अपने घर की छत है, सामने वही जंगल जो मैंने पहले आपके ब्लॉग में दिखाया था, फर्स्ट ब्लॉग पे, वो सामने ये जंगल है। देख सकते हो आप, काफ़ी बेहतरीन व्यू दिख रहा है, देख काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से इस पहाड़ी है, यहाँ से पूरा घूमते हुए यहाँ तक अपना गांव, बहुत बड़ा गांव है। सामने टावर हो गया, ये मंदिर हो गया यहाँ पे, बट ये जो गांव या इस साइड रहते हैं, तो जो हमारा घर है थोड़ा सा साइड में है, जंगल के साइड में। आप ये देख लो, आगे से जंगल है यहाँ से। काफ़ी हरियाली देखने को मिल सकती है इस टाइम पे। तो आपको जो हमारे घर से थोड़ी सी दूर में, बस ऊपर हमारे पड़ोस है, मतलब जो नज़दीक की घर है, इसको हमारे कुमाऊँ पड़ोस बोलते हैं, पड़ोसी, कितने नज़दीक के हैं। तो सीजनल आपको देखने को वही मिलेगी लौकी, ये देख सकते हो आप। इस टाइम पे वैसे काफ़ी होती हैं हमारे घर में भी, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा हो रही है वैसे। ठीक है, नॉर्मल उसकी सब्जी खाते हैं दिन में हम, शाम को सब्जी में ऐसा ही होता है, बट गांव वालों को भी बहुत दी हैं, जो गांव के लोग हैं सब्जी लेने कभी आते हैं यहाँ से। ये देखो सामने आपको एक और मिलकी, ये है हरी मिर्च सीजनल। तो ये आप देख रहे हो, एक ककड़ी है, पहाड़ी ककड़ी। ककड़ी तो हमारे इस टाइम पे तो कम ही है, बट पहले इससे अगले साल कुछ बहुत ज़्यादा हुई थी, नींबू सीजनल। इस टाइम पे तो पहाड़ों में यही होता है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो सुपंड जी भी आ चुके हैं, तो चलते हैं अंदर देखते हैं।
हाँ टिप ले टिप ले। लोगों का जो पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध कैसे किया जाता है आपको दिखाएंगे। जो अभी देख रहे हैं ये पिंड बना रहे हैं, फांच बनते हैं, चावल के आटे से बनता है ये, इनका पिंड बनाते हैं। एक थाई देना उसके बाद पूजन करने के बाद गाय को खिलाया जाता है। नमः माता मह पिता मह पिता मह एक गंगा जल स्नान करिया दूधेल पान करिया माता मह पिता मह पूजित सुरासर हे तजब जास्त्रहाय नमः ओम पृथ्वीयाय अतरम चंदन लगाय चंदन लगाओ चंदन और अच्छी अच्छी लगा ज्योति ला दे तिला का लागी हां जन लागना तिला लागी हो माता मह पिता मह बद पिता मह सुरेश्वर हे तस्मै विघ्नाय तह हमर कर्म सुख शांति रो बाबू तो तीन गुला साल गुला और फूल भी उतर गए फूल का छोड़ पुष्प मारती पन फूले जे पर हमर परिवार फूलो और खिले जे पर खिलो अकेले के बत्ती जो हर फूल नगा जे वस्त्र तुम गिला खाने आके बाद में नहीं आऊं खाने में जो बाद में नहीं इसके भेड़शा और बड़ी होंगी ये पितरों बाद में दक्षिण दिशा कर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण आओ विष्णु विष्णु मे नमः परमात्म वे जम्बू दीपे भतखंडे आर्य व्रते पुण्यक्षेत्रे हिमर्त के देशे ब्राह्मण दिति प्रादेश श्वेतांबर महाराह कल्पे भादो मासे एकादशी तिथे शनिवार शनिवार साज कश्य गोत्र छे ग्राम्य ढुंगरा ग्राम हे माता मह पिता मह वृद्धवृद्धा मह जलिन तृप्तः पुत्रामुखे त गृहताति वास्तानि माता मह पिता मह वृद्धवृद्धा गोत्र कश्य ओम वर्धवर्पितामह रक्षन्ति कुला रक्षन्ति भूतानि जाना विशानि वाश्य प्रशानि तहमह हृदय आनी जिसके हम नंजा को पकड़ लो हम आज स्वाद करने ये बैठी नंजा उत्पत्ति तो हृदय से हम ये अपने बच्चों को माना हम तो रक्षान्ति भूतानि तो हमारे घर रक्षा कर जा कुल रक्षा करिया नंजा का बलवान बनाया पुष्टिमान बनाया तो हम जो इसमें पिंडों में पिंडों से तो उत्पत्ति है बच्चों की और इसमें हम दूध का पान करेंगे गंगा जल का स्नान तो आप उन्हों पितरों जो सब भल लोग में बास हो भल गुण में जन्म हो दूध के पिया और गंगा जल नया हम नंचना को दूधे पिया किले नंचना का खाना खाएंगे उसे आओ मैं शांति तो सती माता मह पिता मह वर्धिता मह स्थान निधि हृदय महा मा विष्णु आतृष्टामः विष्णु रक्षन्ति कुला रक्षन्ति ओम भूर्भुवः स्वः दिव्य पितृः या गच्छन्ति हि सुधाय नमः पुष्पम् अर्पितम् अजिबटि फूल चढ़ा दियो तो फूले जपे हमारे परिवार फूलो और खिलों जपे जो चाउन धरे जो तब धाने बनी को नहीं माय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मृत्युवे नमः जीजा बाबू आमा बाबू उन्होंने नाम याद कर दे तीन गुला साथ कर ओम अनंतकाय नमः ओम सर्वभूताक्षाय नमः तो दूध पान और गंगा जल स्नान ओम सर्वभूताक्षाय नमः शरीरम तस्मै स्वधा स्वधाय नमः दूध के पिया गंगा जल स्नान करिया तो हमने कहा माता नमः पिता नमः
ईजा बाबू आमा बुबू अग्निवास्ता पितृगणा रक्षन्ति हमारे कुल रक्षा करिया घर रक्षा करने इंद्र रक्षा करिया शांति भव महालक्ष्मी पति नारायणाय नमः तीन बारी इसकी अंजलि बजी तब पानी तोड़ के तब भी खत्म हो चुका है। अब खाने की तैयारी होगी, क्या क्या पकवान बनते हैं देखते हैं। तो अभी तो हम ककड़ी लेने जा रहे हैं, सो लगी है एक बेल बेक चू, ज़्यादा ककड़ी तो है नहीं अपने, तो देख सकते हो आप बड़ी मुश्किल से मिली, वो भी रखी थी आज ही के दिन के लिए। तो आज इसका हम बनाएंगे रायता, बंद किया था तभी किसी को दिखा नहीं होगा, नहीं तो गांव के बच्चे होते हैं चोरी करके खा जाते हैं। आपने भी खाया होगा कभी बचपन में ऐसे चोरी? वैसे तो चोरी तो हम भी करते थे बचपन में, जब हम छोटे थे उस टाइम पे ककड़ी वगैरह दूसरों के खेत से लेके हम चोर के खाया करते थे, वो तो बचपन था। चलो होते रहता है, बस टूट गया, टूट भी गया और फूट भी गया ककड़ी। एक ककड़ी है, ककड़ी रायता बनाएंगे इसका खाएंगे हम। खाने में आज क्या क्या स्पेशल है श्राद्ध है, इसमें कुछ स्पेशल ही होता है वैसे और दोनों के मुकाबले। तो ये तो दाल मर रही है, इसमें लोबिया हो गया, चना हो गया, दोनों मिक्स। लोबिया को वैसे मैंने पहाड़ी या कुमाऊनी भाषा में स्वाट बोलते हैं, आग भी नहीं चले तो पहले आग चला लेता हूँ। ये है हमारे जो पहाड़ में चूल्हा बोलते हैं, वैसे तो वो अलग बनता है रसोई में, उसमें पत्थर वगैरह मिट्टी से लिपा हुआ, बट वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसमें खाना बनाते हैं, नहीं तो हम अंदर गैस है उसमें बनाते हैं खाना। कभी कभार बनाते हैं जब बारिश वगैरह होती है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब मैं खुद बनाता हूँ, वैसे भी तो घर वाले सब इसी में बनाते हैं खाना। तो अंदर जाते हैं तो मम्मी को पूछते हैं क्या है स्पेशल। हाँ जा, क्या क्या बनना हो? दाल होगी, भात होगी, खीर होगी, रायता हो गया, ककड़ी, जो ककड़ी का रायता जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वही ककड़ी का रायता बन रहा है। और हाँ, मैंने जो ईजा बोला, मेरी मॉम है, मम्मी, हमारी जो पहाड़ी कुमाऊनी लैंग्वेज है, कुमाऊनी बोली, हम ईजा बोलते हैं, पहाड़ी जो ठहरे मम्मी तो नहीं, हम ईजा ही बोलेंगे। सब्जी टप की बोलते हैं इसे, साथ में हो गया रायता। मैं बेसिक से इन्वाइट किया जाता है, जैसे कि पूरे गांव को इन्वाइट नहीं किया जाता है, क्लास हमारा पड़ोस के छोटे बच्चे होते हैं कन्या, उनको इन्वाइट करके खिलाया जाता है खाना। तो देखिए ये बच्चे तो पंडित जी के आने, पंडित जी से जिसमें अपने पूर्वजों पितरों उनकी